स्वागत भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन की ओर से मेजर कौस्तुभ राणे जॉगर्स पार्क यहाँ पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इनके पुतले का अनावरण हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि आज बहुत सालों से दिनों से ये काम पीछे था जो आज यहाँ पे पूर्ण हुआ है। सभी हमारे यहाँ पे उपस्थित सम्मान्य अतिथिगण आए थे और आज लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने इस कार्य की अच्छी सराहनीय की। बहुत खुशी हुई है कि ऐसे राष्ट्रपुरुष हमारे भारत देश में हैं जिनकी पहचान हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी हमारे विद्यार्थी है उनको पूरा उनका इतिहास मालूम होना चाहिए और उनके आदर्श पे और उनके विचारों पे आगे हमें भारतीय हमारे सभी मीरा भाईंदर वासियों को चलना चाहिए। मैम आपका फोन हटे ना सर सर ये मोबाइल थोड़ा खराब आइए सर पार्टी ना। आज मेरा भाईंदर महापालिका की तरफ से और राजशिष्टाचार के हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृहमंत्री थे और देश के पहले पंतप्रधान थे उनका यहाँ का जो पुतला है उनका आज बहुत समारंभपूर्वक और प्रतिष्ठापूर्वक आज उद्घाटन हो चुका है। ये चीज़ की खुशी है कि हम मीरा भाईंदर महापालिका के कोरोना के दौरान भी अच्छा काम करते करते साथ में जो अपने देश के प्रेरणादायी पुरुष है उनका उद्घाटन करने का मौका हमारे सब ऑफिसर को और हमको मिला उसके लिए हम खुद को सौभाग्यशाली समझते। साथ साथ हमारे माननीय महापौर मैडम माननीय खासदार साहब माननीय आमदार मैडम हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे सब प्रशासन के सब अधिकारी इन्होंने मेहनत करके आज का उद्घाटन का समारंभ पूरा किया। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। आज का बहुत शुभ दिन है, हमें गर्व होता है कि हमारे यहाँ भी ऐसे महान पुरुष का पुतला आज हमने अनावरण किया। और जैसे हमारे खासदार जी ने कहा कि एक शहीद के नाम के गार्डन में दूसरे हमारे लोह पुरुष का पुतला है, ये भी एक बहुत सुखद संयोग है और इसका हमें सबको गर्व है। मैडम ये जो प्रतिमा यहाँ पर जिसका आज लोकार्पण हुआ है इसको लेकर जब आप महापौर थे उस वक्त से लेकर अब तक का आपके तरफ से क्या क्या पूछिए। उस समय तो ये पुतला बनाने का जो ठराव था वो पास हुआ था और बिल्कुल सही है कि सर्वसम्मति से पास हुआ। मैंने ये कहा कि युगानुयोग सरदार पटेल के लिए एक पटेल ने अनुमोदन किया था, ये एक योग था। फिर उसके लिए इतनी सारी परमिशंस लग रही थी, हमने तब से हमारी कोशिश चल रही थी लेकिन इस कोशिश को गति मिली जब विचारी जी ने ये काम अपने हाथ में लिया और उन्होंने 3 महीने के इस अथक परिश्रम के बाद ये सभी परमिशंस लाके दी। क्योंकि हमारे यहाँ जैसा आपको पता है, आप लोगों ने पेपर में न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि हमने सभी पुतले तो यहाँ लगा दिए थे लेकिन उसकी परमिशंस एक भी नहीं ली थी। तो ये सब जो काम पूर्ण किया उनके लिए मैं पूरे शहरवासियों की तरफ से और मेरी तरफ से इनके आभारी हूँ। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। प्रतिक्रिया तो अभी फिलहाल खुशी की है क्योंकि बहुत खुशी की बात है कि मीरा रोड में वो भी खास करके जोगर्स पार्क में इतने भव्य बड़े गार्डन के अंदर श्री हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज मूर्ति का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, यहाँ पे वो स्थापित हुए और सब किसी को ये देख के बहुत प्रेरणा मिलेगी। और बात रही वाद विवाद की तो वाद विवाद की कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमारे पास वो एक ठहराव है। मैं चाहूँगी कि आप अपने चैनल के माध्यम से उस ठहराव को आप दिखाइए जिसके अंदर मेहता जी ने इस ठहराव को सूचक के नाम पर ये पढ़ा गया था और उसका अनुमोदन अश्विन जी ने दिया था। गीता जी ने थोड़ा सा मेहता जी का नाम लेना शायद भूल गए होंगे तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये ठहराव पढ़ने वाले और ठहराव लाने वाले नरेंद्र मेहता जी थे जिन्होंने 2016 में ये ठहराव को पालिका में पेश किया था और बहुत ही बहुमती से इसको मत मिले थे और ये पास होने के बाद में फाइनली आज 2022 में आज के दिन उसका उद्घाटन हुआ है जिसके अंदर सभी
सभी की सहमति से, प्रशासन की सहमति से और हर किसी के उपस्थिति में बहुत जोरों शोरों से ये आज उद्घाटन हुआ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे।